हाय दोस्तों, कैसे हो आप सभी। जानती हूँ बहुत देर देर से वीडियो शेयर कर पाती हूँ आप सबके लिए, क्योंकि आप ही के लिए बिजी रहती हूँ ना मैं। क्योंकि ये जो शैम्पू आप देख रहे हो ना, ये है आंवला रीठा शिखा का हर्बल शैम्पू, जिसमें रोजमेरी और भृंगराज, इसके अलावा ग्लिसरीन, एलोवेरा, बहुत सारी चीजें ऐड करके इसे बनाया गया है, जिससे आप सबको बहुत सारे फायदे मिल रहे हैं। क्योंकि ये तो मैं आप ही लोगों के लिए बना रही हूँ ना। ये शैम्पू आप लोग इतना ज्यादा पसंद कर रहे हो ना, आप लोगों ने प्यार से इसका नाम गोल्डन शैम्पू भी रखा है। और रिव्यूज देखिए, भर भर के प्यार बरसा रहे हैं आप लोग। इतने प्यारे प्यारे रिव्यूज आप लोग दे रहे हैं, फीडबैक भेज रहे हैं, मेरे साथ शेयर कर रहे हैं। सच में मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मुझे इतनी प्यारी इंस्टाग्राम फैमिली, यूट्यूब फैमिली मिली हुई है। मतलब मैं ब्लेस्ड हूँ। थैंक यू सो मच, इतना प्यार देते हो आप लोग। बस ये प्यार ऐसे ही बरकरार रखिएगा, और हमेशा मैं कोशिश करती रहूंगी कि आप सबके साथ वीडियो शेयर करूं। और जिस तरह से मुझ पे आप लोग प्यार बरसा रहे हो, मुझे इतना ज्यादा साथ दे रहे हो, इतना ज्यादा सपोर्ट कर रहे हो, उसी तरह मैं आप सबको भी अपना सपोर्ट दे सकूं पूरी तरह से। आप लोगों को मैं बता सकूं कि कैसे आप लोग घर बैठे अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती हैं, खुद पे आप निर्भर रह करके अपनी पूरी जिंदगी बहुत आराम से बिता सकती हैं। मतलब किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना, इसके लिए जरूरत है थोड़ी सी मेहनत की और थोड़ी सी आइडियाज की। तो आइडियाज देने के लिए मैं बैठी हुई हूँ, मेहनत आपको अपनी डालनी है। यहाँ पर देखिए, सब कुछ मेरा काम चल रहा है, मैं खाना भी बना रही हूँ साथ में और शैम्पू भी बना रही हूँ। शैम्पू बनाने की पूरी रेसिपी मैंने आप सबके साथ शेयर की थी अपनी पिछली वीडियो में, इसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, बिल्कुल भी टेंशन ना ले। इस वीडियो में कुछ टिप्स शेयर कर रही हूँ मैं, जैसे कि ये देखिए, मैं यहाँ पर डाल रही हूँ फ्लेक्स सीड्स जेल, गर्मा गर्म मैंने ऐड किया है इसलिए गाढ़ा नहीं है। लिक्विड में मैंने डाला है जो आंवला रीठा शिखा का एक लिक्विड मैंने पहले तैयार करके रखा था ना, उसमें ये जेल मैंने गर्मा गर्म ऐड कर दिया है। ठंडा होने के बाद ये हल्का हल्का गाढ़ा होना शुरू हो और जाए, इसी पॉइंट में ही आपको इसमें सारी चीजें ऐड करनी है, जैसे कि फ्रेग्रेंस, ग्लिसरीन, अगर आप विटामिन ई ऑयल ऐड कर रहे हैं वो, टी ट्री ऑयल अगर ऐड कर रहे हैं वो, जो भी चीजें, एलोवेरा जेल अगर आप ऐड करना चाहते हैं वो सभी आपको इसी स्टेज पर ऐड करना है, ताकि ये जब ठंडा हो तब ये हल्का हल्का गाढ़ा हो जाए। बहुतों की ये शिकायत रहती है ना कि हमारा शैम्पू बहुत पतला रहता है, गाढ़ा नहीं होता। तो आप इसमें फ्लेक्सीड्स जेल यानी कि तीसी यानी कि अलसी का जेल बना करके डालें और गर्मा गर्म छान करके इसमें ऐड कर दे, जो लिक्विड आपने बनाया होगा उसमें। अब बहुत सारे सवाल मेरे को आ रहे थे कि हम कैसे शैम्पू को थिक करें, कैसे शाइन लाएं, कैसे आपकी तरह हमारा शैम्पू रेडी हो जाएगा, कितनी ग्लिसरीन आप ऐड करते हो, कौन सा फ्रेग्रेंस आप मिलाते हो। तो थोड़े थोड़े क्वेश्चंस के आंसर्स मैं यहाँ पर देने वाली हूँ आज आपको। ग्लिसरीन कौन सी मिलानी है, मैं तो वेजिटेबल ग्लिसरीन यूज करती हूँ। कितनी मिलानी है, जैसे कि मैं तो एक ही बार में 15 लीटर, 20 लीटर, 35 लीटर तक शैम्पू बनाती हूँ, तो अकॉर्डिंगली मैं उसमें 1 लीटर, 1.5 लीटर, 2 लीटर तक ग्लिसरीन ऐड कर देती हूँ। लेकिन इनिशियली शुरुआत में आप कम बनाएंगे, जैसे कि 1 लीटर या 2 लीटर, तो उस हिसाब से अगर आप 1 लीटर शैम्पू बना रहे हैं ना, तो उसमें 100 ml या 200 ml तक आप ग्लिसरीन ऐड कर सकते हैं। बाकी सामान कहाँ से मैं मंगवाती हूँ, मेरी अभी कोई भी फिक्स जगह नहीं है, सच कहती हूँ। देखिए, जैसे कि यहाँ पर मैंने ये रोज मेरी ड्राइड लीव्स मंगाए हुए हैं, यहाँ पर देखिए ये मैंने भृंगराज मंगाया हुआ है, तो मैं 10 किलो तक मंगा करके रख लेती हूँ। और जब ये थोड़े से बचते हैं ना, जैसे 1 किलो तक बच जाते हैं ना, मैं फिर से रीऑर्डर कर देती हूँ। लेकिन मैं मंगाती कहाँ से हूँ बताऊंगी आगे, आप वीडियो देखते रहें, कैसे क्या करना है सब कुछ आपको पता चलेगा। देखिए, एक रूम तो मैंने पूरा इसी काम के लिए रख लिया है, पूरा स्टोर रूम बना लिया है मैंने, क्योंकि मेरा घर भी इनकम्प्लीट है, तो सारा सामान मैं एक ही कमरे में भी रख रही हूँ। यहाँ देखिए, बॉटल्स है बहुत सारी, जो कंटेनर जिसमें मैं शैम्पू भरती हूँ, 1/2 लीटर की है, 200 ml के लिए भी है, 1 लीटर के लिए भी है, तो बॉटल्स मैं बहुत सारी एक साथ मंगा लेती हूँ। सामान देखिए कैसे एकदम से पड़ा हुआ है, बिखरा हुआ है। ये रूम गंदा नहीं है, बट ये है कि इनकम्प्लीट है, तो इसीलिए अजीब सा लग रहा होगा आपको। सामान भी मैंने जहाँ तहाँ रखा हुआ है, कोई भी एक फिक्स जगह मेरी तैयार नहीं हुई, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिलता है, सच कहती हूँ, इतना बिजी रहती हूँ मैं सारा दिन। यहाँ पर देखिए, अभी शैम्पू बन रहा था, इनकम्प्लीट है, इधर सारा सामान रखा हुआ है, साथ में मेरा खाना भी पकता है और मैं अकेली सब कुछ हैंडल कर रही हूँ, कोई मेरी अभी हेल्पर नहीं है फिलहाल, लेकिन मुझे हेल्पर रखनी होगी इस काम के लिए, नहीं तो कम से कम घर के काम के लिए। यहाँ पर देखिए, बबल रैप रखा हुआ है, ये करी लीव्स है जिसे मैंने हल्का सा नेचुरली सुखा लिया है, धूप में नहीं, ऐसे ही सुखा लिया है। यहाँ पर शैम्पू का सारा सामान पड़ा हुआ है, मतलब कुछ कहीं पड़ा हुआ है, कोई सामान कहीं पड़ा हुआ है, ऐसे ही मेरा घर अभी बिखरा हुआ है, मैं अभी तक सेट नहीं कर पा रही हूँ। और यहाँ पर सारे शैम्पू देखिए आउट ऑफ स्टॉक हो चुके हैं, तो रीस्टॉक मैं करती हूँ सैटरडे संडे, वही काम आज चल रहा है। सबको शेयर करती हूँ मैं कहाँ से मंगाती हूँ, जितना मेरे पास इन्फॉर्मेशन है मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। यहाँ पर देखिए, आपको इंस्टॉल करना है इंडिया मार्ट,
जब आप इंडिया मार्ट में जाएंगे ना, वहां पर ऊपर सर्च बटन है, वहां पर आपको कौन सी चीज चाहिए आप उस पर लिख दीजिए। जैसे कि आपको सब दिख रहा है, मैंने सामने कितना कुछ सर्च में रखा हुआ है, क्योंकि यही सब मैं ढूंढती रहती हूँ सारा दिन। मैं जब भी फ्री होती हूँ ना, मैं इंडिया मार्ट में सामान देखती हूँ कि मैं कहाँ से सस्ता सामान ढूंढ करके निकाल सकूँ। यहाँ पर देखिए, जैसे कि ग्लिसरीन अगर आपको लेनी है, तो आप देखिए आपको कौन सा जो प्राइस है वो सही रहता है। प्राइस अगर बहुत कम है, मतलब क्वांटिटी आपको ज्यादा लेनी है, देखिए इसका प्राइस थोड़ा कम था, तो ये आपको 50 किलो तक लेनी होगी ग्लिसरीन। इंडिया मार्ट में यही है, अगर आप कुछ भी मंगाएंगे तो आपको 25 किलो से ऊपर मिलेगा लिक्विड आइटम या कोई भी आइटम हो गया। और अगर आप कंटेनर, बॉटल, बॉक्स वगैरह मंगा रही है, तो वो आपको 500 या 1000 पीसेस मंगाने होंगे तभी मिलेगा। इसलिए इंडिया मार्ट में जाने से पहले आप 10 बार सोच लीजिए, क्योंकि अगर आपको क्वांटिटी ज्यादा चाहिए ना, तभी आप यहाँ पर आए। और अगर आप थोड़ी क्वांटिटी में मंगाना चाहते हैं, तो ट्राई करें कि आपको ऑफलाइन सारी चीजें मिल जाए, या ऑनलाइन अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह से आप कुछ कुछ सामान मंगाएं। जब आप अच्छी तरह से इसमें परफेक्ट हो जाए, मतलब परफेक्शन आ जाए आपके अंदर, आपको समझ में आ जाए कि कैसे क्या बनेगा, वेस्टेज आपसे ना हो, तब आप ज्यादा क्वांटिटी में, बल्क में चीजें मंगाएं इंडिया मार्ट से। बाकी छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन तो मैं आपके साथ अपने इंस्टाग्राम ज्योति अग्रवाल 7488 में शेयर करती ही रहती हूँ, मेरे यूट्यूब चैनल में शेयर करती ही और रहती हाँ, हूँ। कोई भी सवाल मन में आता है ना, तो प्लीज पूछिएगा आप मुझे कहीं भी, मेरे इंस्टाग्राम ज्योति अग्रवाल 7488 में, या फिर मैंने आपके साथ व्हाट्सएप नंबर शेयर किया हुआ है वहां पे, या यूट्यूब में, यहाँ पर भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इंतजार कीजिएगा प्लीज मेरे जवाब का, मैं वीडियो शेयर करूंगी बहुत जल्द। अकेली हूँ जैसा कि मैंने आपसे पहले शेयर किया है, तो थोड़ी सी दिक्कत होती है, मतलब थोड़ा लेट हो जाता है, लेकिन पेशेंस रखिएगा। ऐसा मन में बिल्कुल ना बैठा ले कि दीदी बस यूं ही कहती है, लेकिन कुछ भी गाइड नहीं करती, कुछ नहीं बताती। मैं जरूर शेयर करूंगी, सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग को और दूंगी। मेरी YouTube और Instagram फैमिली के कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जो मुझसे रूठ भी जाते हैं कि आपने ऐसे किया, आपने हमारे रिप्लाई नहीं किया, मैं आपको जवाब नहीं दूंगी, मैं आपको अनफॉलो कर दूंगी। पता है कैसे, जैसे हम लोग अपने मम्मी पापा से रूठ जाते हैं ना, अपने अपनों से रूठ जाते हैं ना, एक हक होता है, उस तरह से वो लोग मुझसे नाराज हो जाती है, पर अनफॉलो बिल्कुल भी नहीं करती, वो अपना गुस्सा जताती है। मैं समझती हूँ कि अगर आप लोग प्यार करते हैं तो गुस्सा भी आएगा, माफी चाहती हूँ अगर मुझसे कोई गलती हो गई, लेकिन साथ बनाए रखिएगा, नाराज बिल्कुल ना हो, मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूँ और रहूंगी। तो गेट सेट टू स्टार्ट योर बिजनेस, अपना पैसा कमाने की शुरुआत के लिए बिल्कुल कमर कस लीजिए, बहुत जल्द आप भी अर्न करने वाली हो बहुत सारे पैसे। और वो लड़कियां जो ऑलरेडी अपना पैसा कमा रही हैं, अर्न कर रही हैं, अपने बलबूते पर अपनी जिंदगी बिता रही हैं, लेकिन ये सारी चीजें बनाने का टाइम उनके पास नहीं है, लेकिन इन्हें खरीदने के लिए वो तत्पर हैं, खरीद सकती हैं, उनके लिए तो मैं हूं ना। जल्दी से अपना ऑर्डर प्लेस कीजिए, सारी डिटेल्स आपको सामने स्क्रीन पे नजर आ रही होगी। भर भर के सामान मंगवाइए, भर भर के ऑर्डर प्लेस कीजिए, और देखिए कि हर्बल प्रोडक्ट्स हमारे लिए कितनी ज्यादा फायदेमंद है। फिर मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। बाय बाय।